नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर के शिक्षा सोपान आश्रम में हूँ। ये प्रोफेसर एससी वर्मा सर का शिक्षा सोपान आश्रम है, जहाँ पर विज्ञान मेला लगा हुआ है। यहाँ पर तमाम सारे स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं, जो कि अपने साइंस मॉडल को डिस्प्ले कर रहे हैं। और आज जो ये विज्ञान मेला लगा है, इसका टाइटल है समझो, यानी आसान भाषा में बच्चों को विज्ञान समझाया जा रहा है, उन्हें फील कराया जा रहा है, ताकि साइंस उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगे, बोरिंग ना लगे। देखिए, इस विज्ञान मेले में जो एक कैंप लगा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग दिल्ली का, इसके अधिकारी हमारे साथ लतेश खन्ना जी मेरे साथ हैं। मैं उनसे पूछूंगी, सर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो पैकेजिंग है, पहले ये बताएं ये कहाँ पर है और आप यहाँ पे स्टॉल लगाकर बच्चों को क्या बताने वाले हैं? जी, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग से दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ, और हमारा जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, और इसके अलावा 6 ऑफिसेज हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर और हैदराबाद में। और हम दिल्ली में जो है इस साल से बीएससी कोर्स कर रहे हैं, बीएससी इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। ये साइंस का कोर्स है, इसमें 4 साल का डिग्री कोर्स रहेगा, और ये इंद्रप्रस्थ, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जो है इसको एफिलेट कराया गया है, और ये पहली बार इंडिया में, हिंदुस्तान में चालू हो रहा है। इससे पहले हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते थे पैकेजिंग का, इसमें बीएससी और बीटेक वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ करता था, और हमारी 100% प्लेसमेंट हुआ करती थी। ये कुछ कंपनियां हैं जिनका, जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं एमएससी वाले, बीटेक वाले जो प्लेस हुआ करते थे। और सर मैं अभी प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाह रही हूँ, ये जो बीएससी इन पैकेजिंग है, मुझे बताएं ये कोर्स क्या है, और 4 साल के इस डिग्री कोर्स में आप बच्चों को क्या बताते हैं? जी, ये पहले 2.5 साल में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वगैरह ही पढ़ाया जाएगा, और आखिरी 1.5 साल में जो है वो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी, और एक सेमेस्टर जो है इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी होगा। सर एक चीज़ बताएं कि जैसे हम बहुत सारे कोर्सेज देखते हैं, लेकिन पैकेजिंग इंडस्ट्री क्या है, और क्या शायद ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए नई जानकारी भी होगी कि पैकेजिंग में भी आप बीएससी कर सकते हैं, तो सर ये पैकेजिंग इंडस्ट्री क्या है और उसमें क्या पढ़ाते हैं बच्चों को आप? जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पैकेजिंग है क्या। पैकेजिंग का एक ही एक लक्ष्य है कि कंज्यूमर के हाथ में, ग्राहक के हाथ में घर तक सही कंडीशन में चीज़ को पहुंचना। जैसे आपने टीवी ख़रीदा, अगर वो किसी भी तरह से स्क्रैच लगा हुआ पहुंचेगा, तो वो आप कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खाने की चीज़ बोलेंगे तो आप देखेंगे कि अब पल्स का पैकेट है, जो टॉफ़ी का, हमारा काम होता है जस्ट उसको खोलना और खा जाना, और उसके बाद वो जो उसका पाउच है वो बिल्कुल बेकार है, लेकिन वो पाउच के पीछे कई साल की, बिल्कुल साइंस है, कई साल की R&D है। वो जो पल्स का जो पाउच है वो 7 लेयर का होता है, 7 लेयर उसमें प्लास्टिक्स होती हैं, उसके बाद वो हमारे पास सही ढंग से, मतलब हमारे पास जो पहुँच, जो कंपनी हमारे मुंह में पहुंचाना चाहती है जो टेस्ट, वो टेस्ट में हमें पहुंचता है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे लेज का पैकेट है, लेज के पैकेट में नाइट्रोजन भरी होती है, वो इसलिए भरी होती है कि वो लेस के पैकेट जो है, वो जो चिप्स हैं वो चकनाचूर ना हो जाएं, और वो उसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाते हैं। तो पैकेजिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंज्यूमर के हाथ में एकदम अच्छे से सही कंडीशन में चीज़ पहुंचना, और उसकी स्टोरेज लाइफ को बनाए रखना। तो ये हम स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे हम लोग, जैसा कि सर बता रहे हैं कि पैकेजिंग ये कोई साधारण चीज़ नहीं, इसके पीछे भी साइंस है, और जो स्टूडेंट्स साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, वो ज़रूर इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और वाकई मैं ज़रूर सर से बात करूँगी इसमें कैरियर की क्या संभावना है। सर बीएससी इन पैकेजिंग का जो आप ये कोर्स बता रहे हैं, इसमें कैसे एडमिशन मिलेगा और एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा? जी, इसमें ये, चूंकि ये कोर्स जो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कराया गया है, तो ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से इस कोर्स के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, और एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और इसको मार्च की कुछ 27 तारीख है लास्ट डेट, और इसी में, इससे पहले ही फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद इसका एडमिशन टेस्ट होगा, जिसको CET कहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और जो बच्चे उसमें पास होंगे उनका स्क्रीनिंग करके उसके बाद इसमें एडमिशन लिया जाएगा। IIP दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग दिल्ली जो है वो पटपड़गंज इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, और वहाँ पर हमारा जो कैंपस है, ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा फ़ोटो है, और इसमें यहाँ पर आपको उसकी पढ़ाई होगी, और फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है पैकेजिंग में। इससे पहले अंडर ग्रेजुएट कोर्स कोई नहीं है,
इससे पहले हमारा इंस्टीट्यूट जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करता था और पिछले दो साल से MSc में कन्वर्ट हुआ था, इस साल से उसको भी MS में कन्वर्ट कर दिया है। MS इसलिए किया गया क्योंकि इसमें BTech और BSc के स्टूडेंट्स दोनों पार्टिसिपेट कर पाएँ, क्योंकि इसमें पैकेजिंग सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग और साइंस दोनों चाहिए। देखिए ये पैकेजिंग इंडस्ट्री में आपके लिए करियर की क्या संभावना है ये दिखाने के लिए देखिए एक लिस्ट है और जो इस इंस्टीट्यूट से निकले हुए स्टूडेंट्स उनको कहाँ कहाँ प्लेसमेंट मिला हुआ इसके बारे में मैं चर्चा करूँ, लेकिन पहले मैं एडमिशन के बारे में एक और सवाल पूछ लेती हूँ। सर ये बताएं कि अभी जो स्टूडेंट्स देश भर के हैं वो अगर चाहते हैं कि BSc में एडमिशन लेना तो उनको इसकी जो प्राइमरी जानकारी कब कैसे मिलेगी कि कब एडमिशन ओपन होंगे, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कैसे फिल करना है, क्या कैसे जानकारी मिलेगी? जी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके इसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है वो फॉर्म भरना पड़ेगा और हम इसको वैसे न्यूज़पेपर्स में ऑल ओवर इंडिया में इसको पब्लिसाइज भी कर रहे हैं और यही हमारा एक मेन लक्ष्य भी था कि हम यहाँ विज्ञान मेला में आए हैं सोपान आश्रम में कि 11th और 12th के बच्चों को जो है जानकारी हो, 12th के बच्चे पास होने के बाद ही इसमें एडमिशन ले पाएंगे, लेकिन 9th 10th 11th के बच्चों को भी पता लगना चाहिए कि पैकेजिंग भी एक कैरियर है और पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है ये तो आप समझ सकते हैं। आपके हाथ में हर हाल में सही कंडीशन में चीज़ पहुंचनी चाहिए, चाहे वो खाने की चीज़ हो या वो डिस्प्ले की चीज़ हो या TV हो या फ्रिज हो, पेन हो, चश्मा हो, कुछ भी चीज़ हो। तो पैकेजिंग एक जैसे सर कह रहे हैं पैकेजिंग भी एक साइंस है और इसमें करियर की बहुत अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं। सर आपके यहाँ ये जो BSc शुरू हो रहा है इसमें कितनी सीट्स होंगी? BSc में 60 सीट से शुरू किया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी से और ये एंट्रेंस के जरिए इसमें हो एडमिशन मिल पाएगा। अच्छा, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं? जी। अच्छा सर आप बता रहे थे कि आपके यहाँ का जो पहले जो आपका PG का रिकॉर्ड रहा है, PG में जो एडमिशन लेने वाले बच्चे उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, आप इसके बारे में ज़रा बताएं। पहले जो है हमारा इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पैकेजिंग करता था, तो ये मैं एक स्टैंडी लेकर आया हूँ, इसमें ये बच्चों के नाम के साथ ITC ये कॉस्मेटिक्स विपग्योर होन्सा कंज्यूमर्स जिसको मामा अर्थ बोलते हैं, हॉकिंस मोगलिक्स रिलायंस बिकानो और जुबिलेंट फूड त्रिवेणी पॉलीमर्स और इन सब कंपनीज़ में इन सब बच्चों का एडमिशन हुआ है, रिक्रूटमेंट हुआ है और ये बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं और आने 3 से 4 साल आते आते हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि वो इंडस्ट्री में किसी भी IIT और IIM के बराबर के बच्चों के साथ खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे लतेश खन्ना जी जिन्होंने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में साइंस के स्टूडेंट्स के लिए करियर की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। BSc की यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया में कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, ये डिग्री कोर्स है, 4 साल का कोर्स होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। मैं इस वीडियो के लिए ज़रूर जो उस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का एड्रेस भी आपको डाल दूँगी, आप उस एड्रेस को देख कर उसको चेक करते रहें। पॉसिबिलिटी यही है कि मार्च में यहाँ एडमिशन के लिए प्रोसेस ओपन हो जाएगा, आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। सर अब मैं चाहूंगी कि आप अपना जो ये इंस्टीट्यूट का ये है ब्रोशर है इसे भी आप डिस्प्ले करें, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि इसको दिखाएं जूम करके ताकि स्टूडेंट्स को इस कोर्स के बारे में पता चल सके और वो इसके लिए अप्लाई कर सकें। थैंक यू, आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।